Hi guys, good morning. Welcome back to our channel मिष्टी मो सुबार प्रियो. तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों व्लॉग कर रहा हूँ, मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ. एक्चुअली आज मेरे को करना पड़ा क्योंकि आज मौमिता की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है. एक्चुअली आज नहीं, कल से ही उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है. तबीयत आज उसकी राइट वाली आई में प्रॉब्लम हो रहा है. उसको बहुत इरिटेशन हो रहा है और बहुत इचिंग हो रही है आँख में, और उस वजह से उसकी आँख लाल हो गई है और कॉन्टीन्यूसली उसमें से पानी हो रहा है, आँख में से निकल रहा है. तो थोड़ा डर गया था मैं, तो मैं अभी डॉक्टर को कंसल्ट करा फ़ोन पे. तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ घबराने का बात नहीं, मे बी वो मेकअप से या मे बी वो जो लेंस कभी कभी वो लगाती है उससे कुछ उसको इन्फेक्शन हुआ होगा या डस्ट से हुआ होगा मे बी. तो उन्होंने एक आई ड्रॉप रिकमेंड करा था, तो वो मैं आई ड्रॉप लेके आया हूँ. और अभी उसकी मैंने बेबी की आंख में डाला है एक बार, अभी वापस डालूंगा थोड़ी देर में मैं. फिर देखते हैं शाम तक, अगर रिलीफ हुआ तो बहुत ही अच्छा है, नहीं रिलीफ होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा. ये इतना शोर करती रहती है, मजा आता है मुझे वो सब किचपिच में, पर आज एकदम शांति हो रही है घर में. आंखों में ना वो हो रहा है, इरिटेशन ऐसे लग रहा है कि कुछ है अभी भी. भाई मैं बोल रहा हूँ ना, वो मे बी वो लेंस पहनने से या कुछ उसमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, वार्म ऐसे फील अच्छा लग रहा है. ये डॉक्टर ने दिया है ये वाला आई ड्रॉप, दिखाओ. ये सिपलॉक्स, यही तो डाला था अभी. सूज गया क्या मेरी आंखें? सूजा नहीं है, पर हाँ वो अलग से छोटी दिख रही है एक आंख, पर वो अच्छा नहीं लग रहा है. कोई नहीं, बेबी तुम ऐसे नीचे कुछ है ऐसे इधर से, तो मतलब लग रहा है कि बहुत ही इरिटेशन हो रही है. लंच कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, खाना खा के फिर तुम आई ड्रॉप मेरे आंखों में डाल, मैं फिर वापस डाल दूंगा. हाँ फिर तुम एक दो घंटा सोना थोड़ा, क्योंकि आज जिम भी जाना है ना. हाँ जिम जाएंगे, अगर तुम ठीक हुई तो जिम जाएंगे. नहीं जिम जाऊंगी. हाँ जिम चलेंगे, मैं भी जाऊंगा आज. मैं आंख बंद करके करूंगी. बाहर कितना धूप है आज, बाप रे बहुत ही धूप है, बहुत गर्मी हो गई है अचानक से. इतनी बारिशें हो रही थी इतने दिन से, अचानक से गर्मी है यार. बाहर आ जाओ फटाफट, कुछ खाते हैं और फिर तुम रेस्ट करो. तुमको मैं आई ड्रॉप डाल दूंगा, फिर मैं अपना काम करूंगा, तुम थोड़ी देर एक दो घंटा सोना, फिर हमको शाम को जाना भी है. क्योंकि हमारा लंच हो गया है रेडी. मेरे को एक्चुअली इस वाली थाली में खाना बहुत अच्छा लगता है. मेरे को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, मेस में ऐसे मिलता था हमको इस थाली में खाना. हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसमें खाना, मतलब डिवाइड डिवाइड वाले में अच्छा नहीं लगता. हमको मेस में मिलती थी ऐसी थाली ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो. कॉलेज के दिन याद आते हैं. ये है आलू पोस्तो, बंगाली डिश है ये, मेरे को बहुत पसंद है. ये ऊपर कैरेमलाइज्ड अनियंस है, और ये है स्टीम राइस एज यूजुअल. ये है मिक्स दाल, थोड़ा सा प्याज सिर्फ आज, और क्योंकि तुम प्याज नहीं खाओगे बोल दो ना. हाँ, और ये है लच्छा पराठा सुंदर से. तो ये है आज का मेन्यू, अभी लेट्स ठूसो और हम खाते हैं, भूख लग रही है. मैं अपना एक आंख कम देखते हुए खाती हूँ. तो लंच वंच सब कर लिया हमने, और अभी मैंने इसको बोला है बेबी को थोड़ा रेस्ट करो, तो मैं इसको थोड़ा आई ड्रॉप डाल देता हूँ. बेबी आंख खोलो, ओपन योर आईज. हाँ 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 माउथ होता है एक, और खोलो खोलो, डर लगता है. दो तीन बस. अभी ये आई ड्रॉप लगा के एक्चुअली मुझे आंखों में बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला है, और मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है. तो मैं रेडी हो चुकी हूँ जिम जाने के लिए, क्योंकि आज मेरा फेवरेट क्लास है स्पिनिंग, और जो मैं एकदम मिस नहीं करना चाहती कभी भी. तो बेबी कहाँ हो तुम, रेडी हुए? बेबी भी रेडी हो गई, गया. ये क्या खाया? आमंड्स जाने से पहले. अच्छा. तुम भी खा लो, मुझे भी दो, ज्यादा नहीं. तो आमंड्स बहुत अच्छे होते हैं, किसके लिए बूबू बताओ जरा. वर्कआउट से पहले. अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हो तो उसके साथ तीन चार आमंड्स खा लेने चाहिए. तो ब्लैक कॉफी अगर पिए तो ही खा सकते हैं, कि बिना ब्लैक कॉफी खाए भी हम खा सकते हैं? कोई भी, कैसे भी खाओ. और ब्लैक कॉफी कितना पीना चाहिए एक दिन में? मैक्सिमम, मतलब जिनको आदत है वो दो पी सकते हैं, जिनको आदत नहीं है वो एक कॉफी, क्योंकि ये सीधा आपकी किडनी का लिवर पे इफेक्ट करती है. ओह, बहुत लोग तो बहुत बार कॉफी पीते हैं, इतना एडिक्टेड होते हैं, कॉफी शॉप में जाके पीते हैं, घर पे भी इतना बार बना के पीते हैं, एडिक्टेड होते हैं एकदम. रात में ब्लैक कॉफी इतनी नहीं पीनी चाहिए. दूध वाली अगर पिए तो चलेगा?
एक या दो हर चीज अच्छी होती है, एक्सेस कोई भी चीज हार्म करती है कुछ भी हो। तो बुबू हेल्थ टिप्स भी बहुत अच्छा देता है। अभी तो ऐसे हेल्थ हो गई है तो अभी तो लोग भी हंसेंगे मेरी टिप्स सुनकर। वो तो लॉकडाउन में भी सबका हाल ऐसा ही हुआ है, वो तो कोई बड़ी इश्यूज नहीं है। जिम निकलते हैं बस, फिर स्पिनिंग की क्लास के बाद मिलते हैं। इतना टाइम गैप के बाद आज क्लास करके एक्चुअली पूरा वाट लग गई। सर भी बहुत अच्छा क्लास करवाए। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हमारे सर जो स्पिनिंग क्लास कराते हैं। तो ये इतना अच्छा कराते हैं, हम तो मतलब इनके जरिए से ही हम थोड़ा वेट लूज कर पा रहे हैं। तो अभी आज तो बहुत थक गई, चलो अभी पता नहीं कैसे घर जाएंगे, वो भी समझ में नहीं आ रहा, तो घर जाके मिलते हैं। ये है दुनिया के सबसे आलसी प्राणी, इसको सिर्फ लाड में आनी है बस। मस्त लाइफ है नहीं जैसू का, खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, खाओ पियो सो। उसको बुरा लग गया, वो तुम्हें देख रही है। वाला वाला बाबू नहीं करता, मेरा बाबू दौड़ा दौड़ा करती है ना, घर गंदा गंदा करती है मेरे बाबू ना। अमली छोनी, अमली छोनी आ जा। क्यूट हो, क्यों हो इतना क्यूट हैं? सिर्फ तुमको प्यार चाहिए। ये अमली छोनी, अमली छोनी चम्मच किस लिए है बेड में? चम्मच कौन लाया है? चम्मच ले आए हो? सैड है, अरे सैड है, सही लग रही है, अभी तक तो सैड थी। अरे तक अरे सैड थी, झगड़ा करना है। ओरे ओरे ओरे, ये क्या कर रही है? सैड है जैसे। अरे क्या क्या खोद रही हो ओ पागल, फू क्या, ये बम क्यों उठा रहे हो? अरे 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 अरे, अरे। अरे ओ पागल, ओ पागल, पूरा साइको बन गई है आज जैसू। अरे अरे अरे, उसके अंदर को गए तुम। अरे अरे भाग गए। अरे कैसे दौड़ी, किधर गए? तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वी नीड योर लव, और गुड नाइट, बाय बाय, सही हो नारा।